मदरसा इत्तेहाद मुस्लिमीन ने इज्तिमाई शादियों का आगाज करवाया था ऐवान असेंबली में बहस कर और हमारी वजह से इज्तिमाई शादियां होती थी राजशेखर रेड्डी के दौर में। तेलंगाना बनने के बाद पहली तकरीर में मैंने कहा कि इज्तिमाई शादियों में आकर आकर दूल्हों को बैठने में शर्मिंदगी होती है, बच्चियों को शर्मिंदगी होती है, आप इनको दीजिए, ये सबसे बड़ा मसला है। तो उसके बाद हमारे मुतालबे पर शादी मुबारक की स्कीम का आगाज हुआ, आज भी है शादी मुबारक हमने किया। शादी मुबारक छोड़िए, उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौका दिलवाया, किसने दिलवाया? मदरसे इत्तेहाद मुस्लिमीन ने दिलवाया। इस्लामिक सेंटर के लिए 10 एकड़ की जमीन के लिए लड़कर दिलाए कौन? हम दिलाए। अनीसुल गुरवा की जमीन कौन लड़कर लिए? हम लिए। अनीसुल गुरवा यतीम खाना तामीर हो रहा है, किसने करवाया? हमने करवाया। बेगमपेट टास्क फोर्स ऑफिस को पुलिस वालों से खाली करवाकर हमने वक्त बोर्ड के हवाले करवाया, किसने? मजलिस ने। आप बताओ हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की जमीन किसने दिलवाई? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने। आज हम पर इल्जाम कि हम क्या करें, अरे अगर हम नहीं होते तो खैर ऐवान असेंबली में हमारा कोई पूछने वाला नहीं होता, हमारे ऊपर आवाज उठाने वाला नहीं होता। आंध्र प्रदेश के टूटने के बाद, आंध्र प्रदेश बनने के बाद क्या कोई हमारी आवाज सुनाई देती है आंध्र में? आंध्र की असेंबली में कोई हमारी मसाइल पे आवाज उठाता है क्या? हमारे हक के लिए कोई लड़ रहा है? लेकिन तेलंगाना में आज हम है जो लड़ते हैं, चाहे वो आलेर का एनकाउंटर भी क्यों ना होने लो, खड़े रहकर बात करने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहाद। हिंदुस्तान के किसी असेंबली में ऐसी फरारदात सीएएनआरसी पर नहीं हुई जो फरारदात तेलंगाना असेंबली में हमने मंजूर करवाई। हालिया असेंबली में सेक्रेटेरिएट की मसाजिदें शहीद हुई थी, कैसा लाए? ऐसा लाए घेरे में, बहस कुछ और थी लेकिन लाए मस्जिद का मामला। क्या चीफ मिनिस्टर खड़े होकर ऐवान में वादा नहीं किया कि मस्जिदों को बनाऊंगा, दोनों मस्जिदों को बनाऊंगा एक नहीं, और 1400 गज जमीन मसाजिदों के लिए देने का ऐलान किया? आरोग्य श्री में कोविड को लेना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी?
क्या लिए? एक गरीब अपना सब कुछ बेच दिया कोरोना से लड़ने के लिए, अपने वालिद को, अपनी वालदा को, अपने भाई को, अपने घर वालों को बचाने में इन्होंने कुछ किया। अरे आज मैं पूछना चाहता हूं, इंतजामात में चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब, आपने वादा किया था, बेरोजगारी का भत्ता देंगे, याद है ना आपको, 3,016 रुपये। कोविड कोरोना के बाद दुकानें बंद हो गई, ये तूफान आया, सैलाब आया, लोगों के घरों में पानी चला गया, तो बोलते हैं नहीं तालाबों पे इंक्रोचमेंट हुआ, तालाब ऐसे हो गए। हां हुआ, गरीब को क्या मालूम, एक मासूम जाकर जमीन दिखी खरीद लिया। हुकूमत का काम तालाबों के जमीनों को, तालाबों के पुश्तों की हिफाजत करता, ये ना काम है। हुसैन सागर कट्टा, ये हुसैन सागर, हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह का बनाया हुआ, कितने एकड़ पर था जब बनाया गया? तो 4,700 एकड़ पर था। कितना? 4,700। आज कितना है? 700 एकड़ पर भी तोड़ने आते। मैं चैलेंज करता हूं, जो उन सवालियों को भी निकाल कर फेंको, देखते हैं तो मैं हिम्मत है क्या? क्या वो इंक्रोचमेंट नहीं है? क्या वो इंक्रोचमेंट नहीं है? अब अगर बोले तो बोलते नहीं मस्ते मदार है, हम ही नजर आते उसमें जीएचएमसी को। अरे यहां बड़े बुजुर्ग है, मैं हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूं, और मैं हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट को हैदरपुरे से जाता हूं, हमारी स्कूल की बस कभी छूट जाती है तो हम लिबर्टी थिएटर बशीरबाग पे था, पुराना अब नहीं है, अब लिबर्टी थिएटर नहीं है, बुजुर्गों को मालूम, जहां बल्दिया का दफ्तर है ना, आज बल्दिया का दफ्तर जो बड़ी बिल्डिंग है जीएचएमसी की, वो बिल्डिंग किसमें है मालूम आपको? हुसैन सागर कट्टे के बड़े नाले के ऊपर बनी हुई है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मुझ साहब बताइए, देखा होगा वहां बस स्टॉप था और एक होटल भी थी, अपर होटल मशहूर थी वहां पे, और वहां पे बस स्टैंड था। इतना खूबसूरत, मैं कह रहा हूं इतना खूबसूरत, सिकंदराबाद कट्टे में गेट नहीं थे पहले, गेट नहीं थे, खुद ब खुद एक लेवल पे पानी आया तो बहता था, बड़ा ऐसा ऊपर से ऐसा चट्टान पत्थर खूबसूरत जमीनी पानी भर जाता था, तो ऐसा पानी ऊपर से नीचे गिरता था, इतना खूबसूरत दिखता था कि हम खड़े रहते थे, मैं और असद साहब घंटों तक देखते थे, इतना खूबसूरत पानी गिरता हुआ बहता हुआ जाता था। कहां गया वो नाला? किधर गया वो नाला? आज गरीब के घर पर तोड़ने आते, आप जो नाले पे बनाए उसका क्या? जो सिकंदराबाद कट्टे पे हुकूमतों ने कब्जा किया उसका क्या? 117 बरस में बारिश नहीं हुई, इतनी बारिश हुई लेकिन फिर भी गंदी पेट का दरवाजा एक भी नहीं खुला, तो पानी जा रहा था किधर जा रहा? आउटर रिंग रोड कैचमेंट एरिया पूरा बंद कर दिए, मुंडा कर दिए हिमायत सागर, उस्मान सागर को, और आप बोल रहे नहीं मैं गोदावरी से जाके पानी डालू? क्यों डालते? जिसका पानी वो आने दो ना, वो पानी जो रोक दिया गया उसको वापस ला लो, गोदावरी कृष्णा से पानी ला के डालने की जरूरत नहीं है। मूसा नदी का डैम, इतनी बारिश हुई मूसा नदी से आगे बढ़ने के बाद मूसा नदी के गेट खुल नहीं रहे थे तो तोड़ना पड़ा उन गेटों को। हां बताओ, इंतखाबात हो रहे हैं तो सिर्फ ये बातें वो बातें, एक कोरा सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा तो एक हथेली में जन्नत भी छाप दो, बता रहे मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, 20,000 लीटर माफ कर दूंगा, ये कर दूंगा। अरे जो लॉकडाउन में लाइट के बिल बड़े बड़े आए हैं, पहले उसको माफ करो।
एक चक्कर लिए थे, दिए थे, नहीं दिए थे? कौन सा चक्कर? कौन सा चक्कर? टू बेडरूम, टू बेडरूम, टू बेडरूम, टू बेडरूम। या इतने लोगे, चलो दिल पे हाथ रखकर बोलो, यहां पूछता हूं क्या एक को भी टू बेडरूम मिला? इधर मिला, नौकरियों की दरखास्त दी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन।